कुछ दिन पहला एक झूठी खबर फेसबुक व्हाट्सएप पे जिहड़ी घूम रही है मेरे वालों बना के मेरे नाम ते ना कि मैं कोई यही खबर जा कोई यहाँ बयान दिता तो ना कोई किसी पत्रकार भरा ने लगाया पर एक झूठी खबर जिहड़ी आ वो सोशल मीडिया ते वायरल हो रही है। सोशल मीडिया ने सानू बदनाम करने लिए आम आदमी पार्टी बदनाम करने लिए लोगों के बीच फैलाई जा रही है। असी मैं अपने वालों अपनी पार्टी वालों एक गल जी बाइकाट करता निंदा करता इस गल की कि यह जी फेक खबर आ फेक खबर ना बनाई जा। पंजाब राजनीति के कई रंग वेखन मिल रहे हैं। दूषणबाजी अते इल्जामां दी चढ़ी एक आम जही गल हो चुकी है पर हलका बाबा बकाला साहिब विच एक होर रंग वेखण नूं मिल रहा है जिथे फेक न्यूज बना के सोशल मीडिया ते वायरल करन दा दौर शुरू हो चुका है जिस दे अनुसार आम आदमी पार्टी तो विधानसभा चोणां विच बतौर उम्मीदवार रह चुके दलबीर सिंह टोंग की एक खबर वायरल हुई है जिस नूं दलबीर सिंह टोंग वालों फेक दसिया जा रहा है। इत्थे ही क्लीयर कर दईए कि पिछले दिनी मलोट विच भाजपा लीडर की कुटमार की निंदा करन वाली एक खबर की कटिंग एक पंजाबी अखबार का लोगो लगा के सोशल मीडिया से वायरल की गई सी जिसनों अज आम आदमी पार्टी के नेता ने फेक करार दिंदियां विरोधियों की चाल दसिया अते कहा कि उन्हां इस बारे एक शिकायत DSP बाबा बकाला साहिब को भी दिती है। ये वायरल पोस्ट विरोधियों की चाल है जा अपने ही किसी करीबी का निशाना ये तो पुलिस की जांच ही दसेगी पर सोशल मीडिया के अक्स खराब करने का दौर कदों अते किस दी इमेज खराब कर देवे ये दसना औखा है अते जिस तों सतर्क रहना भी जरूरी है। ये पैरस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है क्योंकि कुछ दिन पहला एक झूठी खबर फेसबुक व्हाट्सएप पे जिहड़ी घूम रही है मेरे वालों बना के मेरे नाम ते ना कि मैं कोई यहोजी खबर जा कोई यहोजा बयान दिता तो ना कोई किसी पत्रकार भरा ने लगाया पर एक झूठी खबर जिहड़ी आ वो सोशल मीडिया ते वायरल हो रही है। इस संबंध दे विच मैं अज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिहड़ी आ बुलाई। कीड़ी खबर है ये जो खबर पेपर सारे दे सामने है एक खबर है जी जिहड़ी फेक तौर पर बना के लोगों के विच कुछ शरारती अंसर वालों दर्शाई जा रही है क्योंकि इस खबर के नाल मेरा कोई लैण देण नहीं। आम आदमी पार्टी जिस दिन तो किसानी अंदोलन शुरू होया उस दिन तो किसानों के नाल मजदूरों के नाल मोटे के नाल मोटा ला के खड़ी है। कुछ शरारती अंसर बुखलाहट में आ के विरोधी बुखलाहट में आ के श्री अरविंद केजरीवाल जी की जी सा बहुत व्डा किसान महासम्मेलन होया जिस दिन तो उस दिन तो यह बुखलाहट में आ गया तो इन दोजिया हरकतों पर आ गया कि ये देखो जी अखबार के एडिट करके मेरी फेसबुक ID एडिट करके एक पत्रकार की ना मिसयूज करके हालांकि वह पत्रकार वीर साडा इस प्रेस का पत्रकार भी नहीं है तो फेक खबर जी बना के सोशल मीडिया से सानू बदनाम करने के लिए आम आदमी पार्टी बदनाम करने के लिए लोगों के बीच फैलाई जा रही है। असी मैं अपने वालों अपनी पार्टी वालों ये गल जी आदा बाइकाट करता निंदा करता इस गल की कि यह जी फेक खबर आ फेक खबर ना बनाई जान। एक्शन DSP बाबा बकाला मानयोग साढ़े DSP साहब उन्होंने आप लिखती रिपोर्ट जी आदि दे के आए हैं कि इसनों पड़ताल करके पूरी जांच करके तो बनती जी कार्रवाई आ उत्ते कीती जावे कि किहड़े अंसर दी जी शैतानी है। साइबर क्राइम नूं जी असी रिपोर्ट दे चुके हैं कि इहदी बनती जी कार्रवाई आ उन्हां दोषियों ते कीती जावे जिन्हां ने ये कुछ ही हरकत की है। की लगता क्यों कीती गई है आम आदमी पार्टी की? मैं पहले दस चुका कि चढ़ाई में देख के आने वाला समा लोग पिंडां दे विच किसान साढ़े मजदूर वीर जिहड़े आ दिलों इस टाइम आम आदमी पार्टी बाई दे विच लिआउणा चाहुंदे आ
ਅਤੇ ਇਸੇ ਬੁਖਲਾਟ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਕ ਖਬਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਸ ਖਬਰ ਬਾਰੇ? ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਆ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਸ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਭੇਜੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਰਾਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ, ਜਦਕਿ ਰਾਣੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਕਟਿੰਗ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਕੋਈ ਵਾਇਰਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਗਾੜੀ ਰੱਖਦਾ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਰ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ? ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਬਾਬਾ ਕਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। 123 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤੀ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਔਰ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ।